Hello friends, welcome to my YouTube channel Trendonomics by Hurst. So bulls on fire, yes, ruk nahi rahe bulls. Again we have a plus close, ha, thoda bahut aaj intraday dip aaya tha, volatility tha bahut. So kaha jayega market? New high ja rahe hum log 20,000. To hum log baat karenge iske bare mein. Kal bhi thoda bahut discussion kiya tha. So we'll discuss ki kaha pe ja rahe Nifty, Bank Nifty. So this is going to be interesting video, watch till end. और अगर आप नए हो, subscribe किया नहीं है channel को, subscribe करो, share करो और live market views के लिए Twitter पे follow करो. This is my Twitter handle where I share live market views. And there is a good news for you. We are extending this offer Elliott Waves and Price Action के जो हमारे course है, दो course है. Elliott Waves का around 2000 and Price Action is around 500 rupees after discount. वो दोनों courses हम लोग 999 में दे रहे हैं. Yes, you learn lot of things. So this is only till this weekend, first week of January, New Year. So grab this offer and let's discuss the market. Okay. So क्या लग रहा है? यार ये तो धमाका कर दिया बुल्स ने. So कल हमने बोला था, फ्राइडे को भी थोड़ा बहुत हमने एक बार बोला था कि क्या न्यू हाई आ सकता है. उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए न्यू हाई के लिए, क्योंकि क्यों नहीं. यस, वीकली पे कैंडल अच्छा है. तो कल मैंने क्या क्राइटेरिया बोला था कि जब तक ये जो कल का लो है 17,400 का, अगर उसके नीचे नहीं जाता है नेक्स्ट 3-4-5 दिन में, तो फिर समझ लो कि मोस्ट प्रोबेबली न्यू हाई आएगा मार्केट में. 19,000 + 20,000 जो भी आना है, अब वो आने के चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट में. क्योंकि देखो, अगर मैं सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ तो ये फ्लैग ब्रेकआउट है. यस, दिस इज अ फ्लैग, बुल फ्लैग है, उसका ब्रेकआउट आया है. यस, वी फॉलो एंड इलियट वेव को हम अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये तो ट्रिपल जिगजैग ही है. ये तो कोई इम्पल्स है नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं यार ये ए वेव है. सो देर इज नो chance or there is no point in rejecting के new high आएगा नहीं. उसको reject करने का कोई हमारे पास reason नहीं है अभी. Yes, unless and until market gives us some reason. Yes, market जब तक कोई reason नहीं देगा हमें कि नहीं boss new high नहीं आएगा, तब तक हम लोग तो reject नहीं कर सकते. हमेशा market से signal आना चाहिए कि boss नहीं, ये जो आप सोच रहे वो गलत है, new high नहीं आएगा. या फिर जो भी, अगर मार्केट से सिग्नल आता है कि नहीं बॉस न्यू हाई ही आना है, अभी को तो सिग्नल आ रहा है मार्केट से कि हाँ न्यू हाई के चांसेस है, 90% है न्यू हाई के चांसेस. हाँ, अभी के लिए आज के दिन में वो सिग्नल है चार्ट से. और चार्ट हर पता नहीं नेक्स्ट 4-5-6 दिन के बाद चार्ट क्या रहेगा, क्या चार्ट पे सिग्नल चेंज होगा या सेम सिग्नल रहेगा, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा. लेकिन जब तक चार्ट और प्राइस जब तक रिजेक्ट नहीं करता कि बॉस नहीं न्यू हाई नहीं आ सकता, ये बस पुल बैक है, ये मार्केट खुद नहीं बताता, तब तक बॉस वो रिजेक्ट करने का कोई हक ही नहीं है हमारे पास. यस, और मैंने जैसे बोला अभी का डायरेक्शन अप है तो उस पर फोकस करो. नीचे का डाउन ट्रेंड जब तक नहीं पकड़ लेता तब तक हमें क्यों देखना है कि डाउन ट्रेंड आएगा नहीं आएगा. अभी अब डायरेक्शन है, फोकस कर लो. हाँ, पुल बैक आ सकता है, यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, पॉसिबल है, सरप्राइज थोड़ा आ सकता है. क्योंकि थोड़ा इंट्राडे में ओवरबॉट हो गया अभी और एक माइनर झटका दे सकता है. बिकॉज हमने तो बोला था 17,800 का हम लोग पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 16,400 से 17,800 तो बहुत जल्दी जल्दी आया है. मैंने तभी भी बोला था, जब भी 16,400 से ऊपर आ रहा था तभी भी मैंने बोला था कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जो पुल बैक आ रहा है वो क्या फास्ट आ रहा है या स्लो आ रहा है, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट बस एक पुल बैक शॉर्ट करने वाला पुल बैक है मार्केट में या न्यू हाई के लिए भी हम लोग देख सकते हैं. तो अभी के लिए तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि अगर न्यू हाई रिजेक्ट मार्केट में करना है कि नहीं, मार्केट हमें क्या सिग्नल देगा कि जिससे हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि न्यू हाई नहीं आएगा, तो सिंपल है,
कल के लो के नीचे जाना चाहिए मार्केट, कल के लो के नीचे जब तक मार्केट जाता नहीं है, और फास्ट जाना चाहिए नेक्स्ट 2-3 दिन में या मोस्टली मंडे ट्यूसडे तक। अगर कल के लो के नीचे नहीं जाता है मार्केट तो फिर हम लोग डेफिनेटली नहीं सोच सकते कि बॉस ये न्यू हाई नहीं आएगा, ये बस पुल बैक है, क्योंकि उसके लिए हमें देखो पुल बैक हमेशा 3 वेव में होना चाहिए। हाँ अभी भी 5 वेव इंपल्स जैसा फॉर्मेशन तो हुआ नहीं है मार्केट में, लेकिन ये जो मूव है वो इंपल्स ही है बॉस। एटलीस्ट यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ ये स्विंग लो से, I'll just zoom the charts and go into the hourly chart. So, अगर मैं यहां से काउंट करता हूँ ये जो स्विंग लो है 17140 का, बॉस ये तो क्लियर इंपल्स है बॉस, देखो कितना फास्ट जा रहा है, यहाँ पे कुछ ओवरलैप नहीं है, क्लियर 1, 2, 3, 4, 5 इंपल्स मुझे दिख रहा है 15-30 मिनट्स का चार्ट लगा रहे। सो कैन आई सी इंपल्स? यस, ये स्विंग लो से बात कर रहे हैं हम लोग, यस 17180-140 से। सो समझो ये 1 है, ये 2 है, वापस यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज 1, 2, 3, 4 इंट्राडे में आज आ गया थोड़ा डिप, 5th ऊपर आ गया वापस, यस I can clearly see this is an impulse move, boss. From this swing low of 17140-150 or this is a clear impulse move. Yes, I can definitely say that yes, this is an impulse. This is a 100% impulse. Yes, impulse. Bullish move. Hai. Ha. Agar aap bol rahe ho ke ye bas A, B or C hua hai, to bas market ko bolne do na wo. Hum log kyu bolenge? हम लोग क्यों बोलेंगे कि ये ए बी और सी है, 1, 2, 3 नहीं है, क्यों बोलेंगे? कब बोल सकते हैं हम लोग ये तब बोल सकते हैं कि जब मार्केट ये ब्रेक कर देगा 17,380 का जो लो है उसको ब्रेक कर देगा पास्ट टाइम में, तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ बस पॉसिबली ये बस ए बी सी है, ये पूरा राइस करेक्टिव हुई है, वो तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि जब जाके कल का लो ब्रेक होगा 17,380 का। जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक हम लोग को कोई हक ही नहीं है बोलने का कि बस ये इंपल्स नहीं है। क्लियरली मार्केट बोल रहा है 17,140 से क्लियर इंपल्स मार्केट दिखा रहा है, तो हम लोग क्यों रिजेक्ट करेंगे? यस, जब तक मार्केट, जब तक भाव रिजेक्ट नहीं करता, भाव भगवान है, तब तक हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ तो यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है डेफिनेटली, और थोड़ा फास्ट भी आ सकता है, स्लो भी आ सकता है, तो कल देखेंगे हम लोग। मुझे अभी लग रहा है कि एक 4th वेव नीचे आएगा, क्योंकि फ्रॉम दिस लो आई एम काउंटिंग, सो दिस इज 1, 2, 3, 4 and 5 वेव्स लुक्स लाइक इट्स ओवर फ्रॉम दिस स्विंग लो ऑफ 17,150 और फ्रॉम दिस स्विंग लो ऑफ 16,830 और आई थिंक दिस इज 1, 2 and 3। हाँ अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे जाता है, व्हाट इज दैट लेवल, 17,520, तो जब तक 17,520 के नीचे जाता नहीं तब तक तो मैं सोचूंगा ही नहीं कि ये इंपल्स नहीं है और मार्केट नीचे आए। हाँ एक इंट्राडे पुलबैक के लिए थोड़ा बहुत हम लोग शॉर्ट आज भी थोड़ा एंड में लेके गए, इंट्राडे में आज किया था हमने लेकिन निकाल दिया बिकॉज इट्स नॉट यूजफुल टू गो अगेंस्ट द ट्रेंड। सो इंट्राडे का शॉर्ट हमने निकाल दिया, हाउ हाउ कुछ मिला नहीं उसमें, और डे एंड को हम लोग एक लेके गए हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा एंटिसिपेशन में है, रॉन्ग जा सकता है डेफिनेटली, बट एक ओवरबॉट है, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है थोड़ा, तो अगर 17,750 के नीचे कल मार्केट जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ पुल बैक मैक्स टू मैक्स, मैं कंजर्वेटिव हूँ मैं, तो मैं 17,600 तक ही एक्सपेक्ट करूंगा या फिर 17,550, उससे ज्यादा मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा। अगर मार्केट देता है दैट्स अनदर थिंग, बट अगर जब तक मार्केट वो लेवल के नीचे नहीं जाता मैं मैक्स टू मैक्स 17,600-17,550 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुल बैक, और वहां पे देखूंगा मैं कि मार्केट कैसे पुल बैक दे रहा है, क्या मार्केट फास्ट जा रहा है, इंपल्स में नीचे आ रहा है या करेक्टिव में नीचे आ रहा है। थ्री वेव्स में नीचे आया तो उसके बाद डेफिनेट है वापस ऊपर ही जाएगा, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अभी अगर 17,750-17,740 के नीचे जाता है मार्केट देन एक्सपेक्ट अ पुल बैक टू मे बी 17,600-17,550 मे बी, वो सपोर्ट जोन है अभी, वहां तक शायद पुल बैक आ सकता है
17740 के नीचे, यस दिस इज 17725, ओके, और उसके नीचे मूविंग एवरेज 17596, तो 17600 जो आज का इंट्राडे लो था वहां तक आ सकता है मार्केट, और ज्यादा से ज्यादा मे बी 17550 तक जा सकता है मे बी, यस। ये क्या है, अर्ली का मूविंग एवरेज 17480 तक, फिर भी ओके नॉट दैट बैड। आइडियली मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये स्विंग लो और ये स्विंग लो का ज्वाइन करके जो हमने ट्रेंड लाइन डाला है, आइडियली वो ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगा नहीं मार्केट, मेरे हिसाब से नहीं जाएगा। और ये 34 आवर्स का जो मूविंग एवरेज है विच इज करंटली एट 17480, शायद कल ऊपर भी आ सकता है, ये पॉसिबल है, बोल नहीं सकते मार्केट अगर यही पे रहा तो। सो unless and until we go below 17500 480 zone, हम लोग definitely नहीं सोच रहे कि market ये बस pull back rally है और यहाँ से अभी नीचे ही जाएगा, yes? उसके नीचे जब तक जाता नहीं है तब तक तो सोचना ही नहीं है, तो तब तक हमें buy the dip का ही सोचना है। हाँ, यहाँ पे आके आप थोड़ा aggressive buying मत करो, एक बार profit booking कर लिया अच्छा है, नहीं किया तो एक बार कर लो थोड़ा बहुत अगर आप short term trader हो, और डिप के लिए वेट करो। अगर शॉर्ट टर्म डिप इतना नीचे नहीं जाता 17500 के 17550 के, स्लो पुल बैक आ रहा है 3 waves में, देन डेफिनेटली वी कैन अगेन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो हायर, क्योंकि अभी थोड़ा ओवरबॉट है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, थोड़ा पुल बैक आ सकता है, तो कैसे आता है पुल बैक देखना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 4th wave डाउन फ्रॉम दिस लो, आई एम कैलकुलेटिंग दिस इज 3rd wave, वी आर इन 3rd, and probably this is 1, 2, 3, maybe a 4th wave pullback likely, which could be fast because ye shallow tha, elliott wave ka guideline hai, agar wave 2 shallow hai sideways hai to wave 4 fast aayega, that's the elliott wave's guideline, so maybe a sharp decline and then again we go to 18000, yes 18100, that's my view as of now, unless and until we go below 17,480, उसके नीचे जब तक जाता नहीं है मार्केट तब तक मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि बस कि ये पुल बैक ही है, अभी तो मैं 5th wave का ही सोच रहा हूँ, मार्केट न्यू हाई का ही सोच रहा हूँ, क्योंकि उस वैसे दिखा रहा है मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट इज गिविंग दैट स्ट्रक्चर कि हाँ बस ये हो सकता है न्यू हाई आ सकता है 5th wave में, और 5th wave हमेशा ना 5th wave ट्रैप करता है, फास्ट होता है, बहुत फास्ट मूव आता है 5th wave में, तो अगर ये 5th wave है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फास्ट मूव आएगा और ज्यादा पुल बैक डीप नहीं आएंगे, इस दैट विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th wave, और स्टॉक स्पेसिफिक ही मूव आएंगे, तो सब सेक्टर तो नहीं बढ़ने वाले, अभी तो फायरवर्क्स तो नहीं मिलने वाले आपको, आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव ही आएंगे, सब सेक्टर नहीं बढ़ने वाले, ये आप याद कर लो, भले न्यू आने वाला है मार्केट, भले मार्केट 20,000 जाता है 21,000 भी चला जाए, सब सेक्टर नहीं बढ़ने वाले, कुछ कुछ सेक्टर नहीं बढ़ेंगे, न्यू हाई नहीं करेंगे, और स्टॉक स्पेसिफिक रहो तो मैं तो टेलीकॉम पे हूँ बुलिश, डीमार्ट और एक मुझे चार्ट लग रहा है अच्छा है, क्योंकि उसमें मुझे लग रहा है 5th wave थोड़ा पेंडिंग है, लेकिन अभी मैं बाय नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, कैपलिन पॉइंट लैब भी है एक, तो वो चार्ट मैं डालूंगा ट्विटर पे डालूंगा, और आज रात को स्पेस भी है मेरा ट्रिंकर के साथ, तो वो स्पेस में भी आ जाओ 9 o'clock टू नाइट, ओके विल डिस्कस द मार्केट्स। सो निफ्टी का क्लियर है बस, जब तक 17,480 या फिर मैं तो बोलूं, मुझे तो लगता ही नहीं कि 17,550 के नीचे जाएगा, अभी थोड़ा चांसेस नहीं है मेरा, क्योंकि अभी व्यू इंपल्स के तरफ है, बायस नहीं है मेरा, यस आई हैव अ शॉर्ट ट्रेड थोड़ा एक लेके गए विथ लो क्वांटिटी, और हम लोग बहुत जल्दी एग्जिट करने वाले, अगर नहीं आता है बहुत फास्ट पुल बैक तो हम लोग तो एग्जिट कर देंगे, 17600 में भी शायद एग्जिट कर दे, और देखेंगे फास्ट आता है देन आई विल हैव टू चेंज के नहीं बॉस ये बस एक पुल बैक है और मार्केट नीचे जाए,
लेकिन जब तक 17,480 के नीचे नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू से के बॉस मार्केट नीचे जाएगा. क्यों क्यों, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं क्यों बोलूँ बॉस? मार्केट को बोलने दो ना कि वो नीचे जाना चाह रहा है, नीचे जाएगा. तो उसके लिए लेवल्स तोड़ने पड़ेंगे, और वो लेवल्स तो मुझे तो डेफिनेट है, मैं कोई एक बायस रखता नहीं हूँ. मेरे लेवल्स रहते हैं, अगर ये लेवल समझो टूटा तो मेरा व्यू चेंज हो जाता है. जब तक वो लेवल नहीं टूटता मेरा व्यू फर्म रहेगा. जब तक मार्केट नहीं बोलता कि बॉस तू तेरा व्यू चेंज कर ले, मैं नहीं चेंज करने वाला व्यू. सो करंटली आई एम थिंकिंग ऑफ फिफ्थ वेव. यस बट विल ऑब्जर्व. यस पहले ही बोला था मैंने, यहाँ पे ही बोला था कि भले हम लोग 17,800 का पुल बैक सोच रहे हैं और बाद में हम लोग सोच रहे कि बड़ा वाला फॉल आएगा वापस, उसके लिए भी मैंने बोला था कि ऑब्जर्व करेंगे. अगर मार्केट फास्ट फास्ट पुल बैक देता है तो हम लोग डेफिनेटली न्यू हाई के सोचेंगे. तो मार्केट ने फास्ट फास्ट पुल बैक दे दिया तो हम लोग सोच रहे न्यू हाई के. बैंक निफ्टी क्या लग रहा है? बैंक निफ्टी आई एम स्टिल नॉट कमिंग. सो जैसे मैंने बोला कि सब सेक्टर नहीं बढ़ने वाले, तो बैंक निफ्टी आई एम स्टिल नॉट कन्विंस के न्यू हाई आएगा. हाँ 38,000 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, और पॉसिबल है, बट आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल इन बैंक्स. तो मैं बैंक स्टॉक को अवॉइड ही कर रहा हूँ. और अभी ये लेवल पे जाके आप अगर बैंक निफ्टी ट्राई करोगे तो बैंक निफ्टी इज वेरी वोलेटाइल इंडेक्स. तो बैंक निफ्टी में अगर पुल बैक आता है निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी की तो बैंड बच जाएगी. यस तो देखते क्या होता है. बैंक निफ्टी बिलो दिस 36,500, दैट्स द सपोर्ट. बिलो दैट वी माइट सी 35,900. बैंक्स आई एम नॉट कन्विंक्ड ऑन आइदर साइड, अपसाइड डाउनसाइड. सो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं लिया. अगर मैंने कल रेजोल्यूशन दिए थे न्यू ईयर के, तो अगर कन्विक्शन नहीं है तो ट्रेड मत लो, क्यों लेना. तो बैंक निफ्टी में मेरे पास कन्विक्शन है ही नहीं, तो मैं क्यों लू ट्रेड. सो दिस इज द लेवल 36,500. उसके नीचे अगर जाता है तो 35,900 का लेवल आ सकता है. दैट्स अ सपोर्ट. इतना नहीं लग रहा मुझे नीचे अभी फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी. एंड ऑन अपसाइड आई डोंट नो हाउ मच अपसाइड इज देयर इन बैंक निफ्टी. Not very keen in trading in bank because I don't think it will outperform. Underperform kiya hai boss 8 month. 8 month jo sector ne underperform kiya hai wo abhi jaake kyun outperform karega? Sector rotation aayega to market ko bolne do na yaar. Ye swing high bhi nahi cross kiya jabki nifty ne wo swing high already aaj cross karke uske upar close hai. Abhi to wo निफ्टी का जो स्विंग, ये 17,600 का स्विंग आया था निफ्टी का, जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का 37,500 का. तो निफ्टी ने तो 17,600 के ऊपर क्लोज दे दिया है, तो अभी वो सपोर्ट बन गया. यस निफ्टी का, बैंक निफ्टी अभी भी मर रहा है, उसके ऊपर जा नहीं रहा है स्विंग आए के ऊपर 37,500 के ऊपर. यस और निफ्टी ने तो उसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो वो सपोर्ट बन गया अभी. तो देखते क्या होता है, कल कितना आता है नीचे आता है. 17,600, 17,550. We'll observe. अगर three waves में pull back आ गया, slow आ गया, थोड़ा selling कम हो गया, तो हम लोग definitely वापस long की सोचेंगे. Maybe for 18,000. हम लोग short term trader, तो short term ही सोचते हैं. Yes, but I'm definitely thinking कि आ सकता है new high up to 20,000. Yes, 20,000, 20,500 तक. क्यों नहीं? आ ही सकता है. Yes, so स्टॉक्स, ओके स्टॉक डिस्कस करने हैं. तो डीमार्ट मैंने जैसे बोला था, डीमार्ट मुझे अच्छा लग रहा है. क्यों अच्छा लग रहा है? तो सिंपल है, मैं वेव काउंट देखता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ. सो वेव काउंट पे अगर मैं डीमार्ट पे देख लू, देन आई एम थिंकिंग दिस इज 1, 2, 3 एंड फोर्थ वेव गोइंग ऑन, मे बी ओवर, और फिफ्थ हायर इज पेंडिंग. तो क्या बाय कर ले? So I'm like, oh, I can buy higher. So I will wait. इसके ऊपर close दे दे. Nifty किधर भी जाए, I don't care. Once my demand closes above this, so 48, 30 level, yes, that is, what is that? Around 48, 60,
48.70. If it closes, then I will expect new highs to 6,000 plus. In DMAT, I will not look at Nifty and get confused. Yes. So DMAT, I think one more wave is pending, a fifth wave in DMAT. Kaplan Point Lab, that is also good. I think a fifth wave is still pending there in Kaplan Point Lab. So this is 1, 2, 3, 4, and fifth is still pending, according to me. Yes, in Kaplan Point Lab. So let's see. So see, this is clear breakout over here now. So maybe thoda ek pullback aa sakta hai yahan pe. Ye level abhi support hai. Agar wo hold karta hai pullback mein, then maybe we'll see a new highs in Kaplan Point Lab. Yes. This is a clear cut, fourth wave. I think it's over and we have already started. So maybe it will go higher. Idea pe to humne already bol diya hai. और भी स्टॉक ढूंढेंगे, अभी नहीं लेने, ये थोड़ा देखते हैं, वेट करते हैं. सो निफ्टी 17,600 का लेवल है, 17,550 का लेवल है सपोर्ट में नीचे. जब तक उसके नीचे नहीं जा रहा तब तक तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं कि लो आएगा वापस, ये बस पुल बैक है. क्यों सोचना है, मार्केट को बोलने दो ना बस. यस, सो दैट्स इट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, और रिलेटिव वेव और प्राइस एक्शन सीखना है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. देखो इलेट वेव ना आपका बायस निकाल देता है, पूरा बायस निकाल देता है. तो हम लोग पहले क्या सोच रहे थे कि यहाँ से एक पुल बैक आएगा 17,800 तक और फिर नीचे आएगा, ये हम लोग सोच रहे थे. लेकिन हमने बोल वो ठान नहीं लिखे बस, नहीं 17,800 आएगा तो वहां से नीचे ही जाएगा. नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे बॉस कि हाँ, अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, अगर वो ट्रू है तो मार्केट को मुझे इंडिकेशन देना पड़ेगा कि बॉस हाँ, यस यू आर राइट, यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक. मार्केट ने अभी तक मुझे कोई इंडिकेशन दिया नहीं है. और मेरा जो व्यू था कि करेक्टिव पुल बैक है, तो एक्चुअली आइडियली मार्केट थोड़ा इम्पल्सिव स्ट्रक्चर अभी फाइनली जाके बना दिया. यस yes? तो और हमारा तो लॉन्ग ट्रेड ही था, तो इम्पल्सिव स्ट्रक्चर अगर मार्केट ने बना दिया तो मुझे पता है मैं क्यों बेरिश व्यू रख जब तक मार्केट नहीं बेरिश हो जाता. यस, सो नाउ माय अजम्पशन इज ओके, दिस इज एन इम्पल्स. और अगर नीचे फॉल आता है करेक्टिव, then I will buy for again next highs. Yes, तो अभी जाके market जैसे behave करता है, market का क्या structure है वो हम लोग observe करेंगे कि क्या हो रहा है. market fast fall दे रहा है या slow fall corrective दे रहा है. तो market ने corrective fall दे दिया तो हम लोग वापस buy करेंगे new high के लिए, और market ने fast fall दे दिया तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं बॉस, बस ये corrective rise था और नीचे जाना है. हम लोग का बायस तो हट गया जो करेक्टिव राइस का था. यस, मार्केट ने पूरा बायस रिमूव कर दिया इलेक्ट्रिव के बेस. मैंने तो क्लियरली बोला था कि ऑब्जर्व करना है कि इंपल्स में ऊपर आ रहा है कि करेक्टिव में ऊपर आ रहा है. अगर इंपल्स में ऊपर आता है तो हम लोग सोचेंगे न्यू हाई की, अगर करेक्टिव में ऊपर आता है तो हम लोग सोचेंगे कि नहीं नीचे ही जाएगा वापस. यस, बायस नहीं रखते हम लोग, कोई भी बायस रहता नहीं है. और इलेक्ट्रिव स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिव फॉलो करते उसके वजह से बायस निकल ही जाता है. तो जैसे करेक्शन का करेक्टिव वेव्स का बायस था, तो यहाँ पे तो इंपल्सिव स्ट्रक्चर दे दिया मार्केट ने, बोल दिया बस ये फास्ट रैली है, ये इंपल्स बोल रहा है मार्केट. तो जब तक उसको वो करेक्टिव नहीं बना देता मार्केट खुद से, यस, तब तक हम लोग क्यों सोचेंगे कि वो करेक्टिव है, क्यों शॉर्ट करेंगे. हाँ, हमारा थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजिशन हमने आज लिया है डेन को, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, और हमने बहुत छोटा पोजिशन लिया है बिकॉज अगेंस्ट द ट्रेंड है. हम लोग थोड़ा एडवांस में जाके सोच रहे कि थोड़ा एडवांटेज ले ली, तो लेकिन हमने छोटा पोजीशन बनाया. अगर कल नहीं होता है, नीचे नहीं आता है तो हम लोग तो काट देंगे बस.
कोई साइड बाय बायस नहीं रखना है। और नीचे आता है तो देख लेंगे कि करेक्टिव में आ रहा है क्या, नीचे थ्री वेव्स में आ रहा है क्या, स्लो शैलो पुल बैक दे रहा है क्या, सपोर्ट होल्ड कर रहा है क्या, वो सब देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे यस कि वापस लॉन्ग करना है कि नहीं करना है। सो 17,550 पकड़ लो यार कल के लिए लेवल, 17,540-50 नेक्स्ट 2 दिन के लिए, जब तक तो उसके नीचे नहीं जाता बुल्स आर स्ट्रॉन्ग। यस सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब और इलेक्ट वेव्स सीखना है तो सीखो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बुक तो फ्री में दे ही रहा। सो दैट्स इट, दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।